आपको विधि से एमटी न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबर। सृष्टि की रचयिता भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई धूमधाम से। समाज बंधुओं की उपस्थिति में निकली भव्य शोभा यात्रा, कलाकारों ने दी सुंदर प्रस्तुति। पल्स पोलियो अभियान के तहत निकाली गई जागरूकता रैली, वहीं अस्पताल में पिलाई गई बच्चों को पोलियो की दवा, विधायक सहित भाजपा के नेता रहे मौजूद। और शहर की जर्जर और बदहाल होती सड़कों की एनएसयूआई टीम द्वारा की गई मरम्मत, नीले रंग से किया गया चिन्हित। अब खबर विस्तार से। सृष्टि की रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के अवसर पर विशाल संगठन मजदूर संघ द्वारा विदिशा की रेलवे संस्थान में भगवान विश्वकर्मा की जयंती रेलवे मजदूर संगठन द्वारा धूमधाम से मनाई गई। जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, हमारे सृष्टि के इंजीनियर सृजनकर्ता जो देवता हैं भगवान विश्वकर्मा, उनको उनकी जयंती को, जन्मदिवस को 17 सितंबर को जो कि कन्या संक्रांति के दिन पड़ती है, उसको हमारा भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाता है। और सभी को इस श्रमिक दिवस के माध्यम से एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। ये प्रोग्राम जो किया गया है, इस पर मैं मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भारतीय मजदूर संघ आज क्या कार्यक्रम है, कहाँ पर है? भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा संघ संगठन है, ट्रेड यूनियन है। भारतीय मजदूर संघ प्रतिवर्ष भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाते हैं श्रम दिवस के रूप में, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जी सृष्टि के देवता हैं और सृष्टि के देवता भगवान विश्वकर्मा जी की भारतीय मजदूर संघ प्रतिवर्ष श्रम दिवस के रूप में जयंती मनाते हैं इसी तरह, और 17 सितंबर को। पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ से पूर्व शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। पल्स पोलियो अभियान के बारे में वरिष्ठ चिकित्सक और जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। आप लोग तो बुलाओ, बुला नहीं आप लोग? नहीं, हमारा भतीजे का भाई आएगा, आप बुला ही नहीं भाई का। ले आओ ले आओ ले आओ। टीका अधिकारी जिला विदिशा, आज किस संदर्भ में ये जो रैली, जो जागरूकता रैली निकाली गई, क्या उद्देश्य है उसका, ये कहाँ से निकली, कहाँ खत्म हुई? ये हमारे जिले में पल्स पोलियो का अभियान शुरू किया जा रहा है कल से, जो कि 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर तक चलेगा। कल हमारा उद्घाटन होगा, कल से शुरुआत होगी, जिसमें कि बूथ पर दवाई पिलाई जाएगी। इसके बाद दो दिन 19 और 20 को घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी।
हमारे ज़िले का लक्ष्य करीब 2,20,000 है, जिसमें कि सब 0 से 5 साल के बच्चे हैं। इसके लिए 1,722 टीम बनी हुई है, 3,444 वैक्सीनेटर हैं और सभी 7 इलाकों में ये अभियान कल से शुरू किया जाएगा, जिसमें 0 से 5 साल के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर देश को, ज़िले को और भारत को पोलियो मुक्त किया जाएगा। आज पल्स पोलियो अभियान जो कि 18 सितंबर से 20 सितंबर तक है, उसकी जागरूकता के लिए एक रैली निकाली गई थी ताकि 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चे बूथ पर आकर के पोलियो की दवा पिए और अपंगता से अपने बच्चों को बचाएं। सभी के लिए ये जागरूकता रैली कहाँ से कहाँ निकली? ये अपने जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर से माधवगंज चौराहे तक के लिए निकाली गई थी, नीमताल तक। भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा समाज द्वारा विशाल चल समारोह निकाला गया। बंटीनगर से प्रारंभ होकर विनायक वेंकट हॉल पहुंचा। बाहर से आए कलाकारों द्वारा सुंदर और आकर्षक प्रस्तुति दी गई। बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग शामिल रहे। धूमधाम से भव्य शोभा यात्रा निकली। हमारे इष्ट देव श्री विश्वकर्मा भगवान की पूजन दिवस है, जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इसमें नगर में चल समारोह भव्य रूप में निकाला जा रहा है और दोपहर में विश्वकर्मा मंदिर पर पूजन अर्चना की प्रसादी वितरण हुआ। शाम को सुंदरकांड भजन संध्या का कार्यक्रम भी रखा गया है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि सब लोग ऐसे ही मिलजुल कर ये पर्व को मनाएँ। शहर में मतलब चल समारोह निकल रहा है सागर पुलिया से लगा के, यहाँ से बड़े बाजार से मार्केट से होता होगा वो धर्मशाला पे आएगा, धर्मशाला से विनायक गार्डन जाएगा। संदेश तो ये है कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और काफ़ी पब्लिक है और भगवान बड़े और हमारे सृष्टि के रचयिता हैं भगवान विश्वकर्मा, तो सृष्टि के रचयिता हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को मनाया सब, मतलब ये है कि आज उनके बगैर तो कोई काम होता नहीं है। विश्वकर्मा भगवान की पूजा, उसमें आज हमारे यहाँ समाज के द्वारा पूरा विदिशा समाज में चल समारोह निकल रहा है और यहाँ मंदिर पूजा हो रही है। शहर की बदहाल होती सड़कों पर हो रहे गड्ढों के कारण घटना दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। आवागमन में हो रही परेशानियों के चलते नगर पालिका प्रशासन को जगाने हेतु NSUI द्वारा शहर की सड़कों की मरम्मत की गई और गड्ढों को भरा गया, नीले रंग से उन्हें चिन्हित भी किया गया। जर्जर सड़कों पर NSUI के लोगों का क्या कहना है सुनिए आप। जी जैसा कि मध्य प्रदेश की सड़कें का हाल बेहद खस्ता है और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, इन रोडों पर ना ही इंसान चल पा रहे हैं ना ही वाहन चल पा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व भी एक बच्ची कोचिंग से आ रही थी, ट्यूशन से आ रही थी, ऐसे ही एक गड्ढे में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। और हमारी सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो विश्व धरातल पर खड़े होकर कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें वॉशिंगटन से DC से अच्छी हैं, पेरिस से अच्छी हैं,
इसलिए आज हमने जनता को जागरूक करने के लिए NSUI ने ये अभियान चलाया है, गड्ढे भर के आउटलाइनिंग करके गड्ढों का और NSUI लिखा है। कितने गड्ढे भरे होंगे शहर भरे आप अभी तक? जी हमने भरे होंगे 10-15 से लेके 20 तक भरे होंगे हमने आज, नीमताल से लेके यहाँ नगर पालिका के सामने सब जगह हम अभी भरते ही आ रहे हैं। क्रिश्चियन समाज द्वारा मरियम्मा के जन्मदिन पर भव्य चल समारोह निकाला गया। सेंट मैरी कॉलेज से प्रारंभ होकर पीतल मिल चौराहे से वापस स्कूल पहुंचा, क्रिश्चियन समाज के लोग शामिल रहे, फादर द्वारा बतलाया गया। आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आज हमारा सेंट मेरीज चर्च विदिशा का त्यौहार है, पर्व मना रहे हैं, क्योंकि आज हम हमारे परिवार से माँ मरियम का, प्रभु यीशु की माँ का जन्मोत्सव की खुशी मनाते हैं। तो आज हम विश्व भर शांति के लिए और विशेष रूप से हमारे हर परिवार में एकता, प्रेम और शांति के लिए माँ मरियम से प्रार्थना करते रहते हैं। तो इस खुशी हम आप लोगों के साथ बांटने के लिए ये शांतिपूर्वक जुलूस प्रार्थना का निकाल दिया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को ईश्वर आशीष देते रहें। नगर की सड़कें डेंजर जोन में है, जहां आए दिन एक्सीडेंट की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। यातायात में सुगमता का संदेश देने के उद्देश्य से कांग्रेस नेता विवेक ठाकुर ने रेडियम बोर्ड लगाए। सिविल लाइन रोड की बदहाली से हो रहे लगातार हादसे, आए दिन रात में डिवाइडर के ऊपर गाड़ियां चढ़ जाती थी। मनोहर टाकीज के सामने डिवाइडर पर लगाए गए रेडियम बोर्ड, जहां ज्यादा से ज्यादा हादसे हो रहे थे, चिन्हित भी किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हादसों को रोकने के लिए डिवाइडर पर रेडियम वाले लोहे के बोर्ड लगाकर यातायात में सुगमता है तू संदेश दिया गया। कांग्रेस के जिला महामंत्री विवेक ठाकुर और उनके साथियों ने जल्द से जल्द रोडों की मरम्मत कराने की मांग की है। पिछले एक डेढ़ महीने से ये जो सिविल लाइन एरिया रोड है, ये बहुत व्यस्ततम चौराहा है, रोड है, यहाँ से सब निकलते हैं। यहाँ से बंटी नगर के लिए रोड जाता है और यहाँ से ओवरब्रिज मेन मुख्य मार्ग रोड है। जो यहाँ पर आए दिन रात में जो है हादसे हो रहे थे, लोगों को ये डिवाइडर के कारण जो सुरक्षा का वो दिख नहीं रहा था, तो लोग रात में जो है ना इस डिवाइडर पे चढ़ जाते थे। तो हर 2-3 दिन में एक दुर्घटना हो रही थी। जब सुबह 6 बजे हम 7 बजे यहाँ से कभी निकलते थे, तो हम देखने को मिलता था इधर एक कोई भी कार चढ़ी हुई है या मोटर चढ़ी हुई है, बाइक वाला, मतलब हर हफ्ते में 2-3 एक्सीडेंट हो रहे थे। उसको मद्देनजर हमने देखा कि प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लोगों की जान जो है वो जोखिम में डली हुई है। उसको लेकर हमने शहर की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा के लिए आज हम सब ने मिलकर यहाँ पर ये लगाए, और करीब 4-5 जगह लगाएंगे, एक ईदगाह चौराहे पर और एक ब्रिटानिया फैक्ट्री के सामने और एक पीतल मिल चौराहे पर। अग्रवाल धर्मशाला में शासकीय शिक्षकों की बैठक का आयोजन हुआ, जहां पर सहकारी समिति की आय व्यय का लेखा जोखा पेश हुआ। शिक्षा विभागीय कर्मचारी सहकारी शाखा समिति मर्यादित की टीम मौजूद थी। समिति के प्रथम अध्यक्ष नारायण सिंह तोमर की अध्यक्षता में SP सिंह जाटव, मुख्य परियोजना समन्वयक जिला विदिशा, CM राइज स्कूल के प्राचार्य के सिंह, विकासखंड शिक्षा अधिकारी उत्कृष्ट विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती इंदुमती खरे के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। इसमें नवीन कार्यकारिणी की अध्यक्ष सुरेश शर्मा, संचालक मंडल सदस्य चंद्रशेखर शर्मा, विजेंद्र राणा, रामसाह जैन, अंजू गोहिया, मीना पाठक, बलभद्र सिंह मीणा, गोपाल अहरवार, ब्रजमोहन शर्मा, संजय श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन चंद्रशेखर शर्मा पूर्व अध्यक्ष द्वारा हुआ। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे शिक्षा विभाग की सहकारी समिति के पार्टनर है श्रीमती मोनिका पांडे जी का साथ वो आज भी इस मंच पे है, तो हमें बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कंजूसी ना करें भैया। श्रीमती अंजू गोहिया जी से मैं अनुरोध,
पहले मात्र संस्था हमारी कॉपरेट बैंक थी जिससे हम लोन लेकर लोन बांटा करते थे जो हमें 11% में देती थी और हम उस पर 4% कमा के देते थे। लेकिन आज बीच में समय खराब आया संस्था का, लेकिन आज पुराने संचालक मंडल जो मेरा 10 साल पहले था उसके विशेष प्रयास से आज ये स्थिति है कि 50 लाख की हम खुद निजी संपत्ति संस्था की हो चुकी है और हम अपनी सब खुद का लोन बांट रहे हैं। हमको किसी से लोन लेना नहीं पड़ता। ये इस संस्था की उपलब्धि है आपके आशीर्वाद से, सहयोग से। मैंने अध्यक्ष पद ये प्राप्त किया है आपकी कृपा से, सब लोगों से। वर्तमान स्थिति में दिनांक 31/3/22 की स्थिति में ₹37,71,331 संचित निधि के रूप में, वर्ष 21/22 में समिति को ₹15,50,416 का शुद्ध लाभ हुआ है जिसका विभाजन उप नियम के अनुसार किया जाएगा। सदस्यों की अमानत राशि पर ब्याज लक्षित कोष, भवन कोष, कर्मचारियों के नौकरी राशि कोष पर लगाया जाना है। जिला अस्पताल में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। पल्स पोलियो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर विधायक शशांक भार्गव, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा, जनपद अध्यक्ष सहित गणमान्य उपस्थित थे। स्वास्थ्य अमला भी इस अवसर पर उपस्थित था। भारतीय डाक कर्मचारी संघ द्वारा शहनाई गार्डन में बैठक आयोजित हुई। संगठन की मजबूती के लिए विचार विमर्श हुआ। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार से मांग की गई। उनसे भी निवेदन है कि संक्षिप्त अतिथि गणों का मैं इस विदिशा की पावन धरती पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मंच का अभिवादन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित है परम आदरणीय है कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। हमारे कर्मचारी जो है 40 साल सेवा करता है, 40 साल के बाद उसे 2 रुपये की पेंशन के रूप में नहीं दी जाती है। यह सबसे बड़ी विडंबना हमारे भारत सरकार की रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी मछुआरा प्रकोष्ठ द्वारा मनाया गया। अटल उद्यान में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, दुर्गानगर मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, दिनेश कुशवाहा, पंकज पांडे, मीडिया प्रभारी सुनील साहू, मछुआरा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दीपक रेगवार के साथ मंडल कार्यकर्ता शामिल रहे। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने सभी अनुसांगिक संगठनों के द्वारा सेवा के कार्य व पर्यावरण के लिए जो है कार्यक्रम तय किए गए थे। आज मछुआरा प्रकोष्ठ के द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ किया गया है। जिले की पूरी टीम ने वास्तव में नरेंद्र मोदी जी न केवल दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं बल्कि नए भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्होंने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई हैं, निश्चित रूप से उससे भारत बदल रहा है। एक बार पुनः मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। मछुआरा प्रकोष्ठ को दिए गए वृक्षारोपण के कार्यक्रम के अंतर्गत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव के पखवाड़े के रूप में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसी के तहत आज अटल उद्यान विदिशा में मछुआरा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी जिला विदिशा द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आम जन जो है वो पर्यावरण सुधार की तरफ अग्रसर हों और पर्यावरण को सुधारने में उनकी सहभागिता बने और सभी से निवेदन है कि अपने अपने घरों पर और खुली भूमि जहाँ हो वहाँ वृक्षारोपण अवश्य करें, क्योंकि यदि पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हमारा जीवन भी सफल रहेगा। आईडी मछुआरा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्य आयोजन कार्य किया गया जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई साहब मुकेश टंडन जी और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश शर्मा, ये तीनों मंडल अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब पंकज पांडे जी, चौहान जी और दिनेश कुशवाहा जी
हम सबके बीच में उपस्थित हुए और कार्यक्रम को सफल बनाया। इनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। शनिवार को शिल्पकार सिलावट समाज सेवा एवं जन कल्याण समिति द्वारा भगवान विश्वकर्मा जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। विनोद शिल्पकार को नगर अध्यक्ष चुना गया, जहां स्वागत व सम्मान भी हुआ। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विधि संयम की।